सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक और बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी गए थे इंडिया और सफरी पाबंदी की वजह से वो नहीं आ सके फ्लाइट बंद होने की वजह से। तो देखिए बहुत लोगों की जो है लगभग सभी लोगों का 30 सितंबर में जो है अब ये खरोज उदा भी एक्सपायर हो गया है, एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गई है और बहुत लोगों ने जो है कमेंट किया था कि उनका इकामा भी एक्सपायर हो गया है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है फ्लाइट जो है सस्पेंड कर रखी थी 30 सितंबर तक। तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि 30 सितंबर में अगर फ्लाइट खुल जाती है, यानी जो सस्पेंड कर रखी है इंडिया ने, अगर वो सस्पेंशन खत्म हो जाती है इंडिया की तरफ से, तो फिर लोग जो है इंडिया से सऊदी अरब आ सकते हैं। मगर बीच में ही प्रॉब्लम ये आ गई अभी एक हफ्ता पहले कि इंडिया यानी इंडिया की फ्लाइट को जो है बैन कर दिया सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने। और यहाँ पे जो है जब बैन किया तो ये नहीं बताया था कि कितने दिन के लिए बैन किया गया है। बस उसमें यह था जो रेफरेंस दिया गया था, आर्टिकल था जो न्यूज़ आई थी कि उसमें जो है कि बैन कर दिया है कोरोना वायरस के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इंडिया में, इस वजह से इंडिया की जो है फ्लाइट्स बैन कर दी गई थी सऊदी अरब के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई थी। पर इसमें यह था कि हो सकता था एक हफ्ते में खुल जाती, या हो सकता था कि सऊदी अरब जो है यह सस्पेंशन जो लगाई थी, जो बैन किया था फ्लाइट को, हो सकता था कि 15 दिन में खोल देता। मगर इससे भी जो एक बड़ी प्रॉब्लम अब आई है तो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सऊदी अरब की बड़ी जो न्यूज़ होती है वो इस चैनल पे मैं लाता रहता हूँ, वो आपको इस पे देखने को मिलती रहेंगी। तो देखिए वो जो बड़ी जो बुरी खबर आई है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो है ट्विटर अकाउंट है यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का, और उन्होंने यहाँ पे देखिए 3 घंटा पहले जो ट्वीट करके बताया है कि यहाँ पर जो फर्दर एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर इशूड, जो सर्कुलर पहले जारी किया गया था इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें यह था कि जो फ्लाइट है वो 30 सितंबर तक जो है सस्पेंड की थी, अब उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी इसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2020 तक, यानी इंटरनेशनल फ्लाइट जो है 31 अक्टूबर 2020 तक बंद रहेंगी। यानी इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है इसको सस्पेंड कर दिया है। अब जो है कोई भी चांस नहीं है इंडिया से सऊदी अरब आने का 31 अक्टूबर 2020 तक। तो देखिए ये जो है एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है दोबारा से, क्योंकि हो सकता था कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है जो बैन लगाया है वो हटा देती, हो सकता है एक हफ्ते में हट जाता, 20 दिन में हट जाता। पर अब जो है इंडिया की गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर तक दोबारा से इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए अब आपको जो है 31 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपका जो है इकामा एक्सपायर हो गया है या आपकी वीज़ा एक्सपायर हो गई है तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से जो है जवाजात की तरफ से इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और अगर बाई चांस नहीं होता है तो आप अपने कंपनी या अपने कफील से जो है बात करें और उनसे कहें कि अपने अफशर अकाउंट से वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पर थोड़ा सा इसमें वेट कर लें आप, इंशाल्लाह इस हफ्ते में हो सकता है कि सभी लोगों की जो वीज़ा भी बढ़ जाए। और बहुत लोगों ने कमेंट की भी है इसके बारे में, पर कोई भी यानी प्रूफ नहीं है मेरे पास आपको दिखाने के लिए कि मैं आपको दिखा दूं कि इस बंदे का वीज़ा जो है बढ़ा है या इकामा बढ़ाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया है कि उनका जो वीज़ा भी बढ़ा है और इकामा भी बढ़ा है, कुछ ने बताया कि उनकी कंपनी ने बढ़ाया है, पर उन्होंने जो है कोई फोटो या स्क्रीनशॉट मुझे नहीं भेजा है, सिर्फ उन्होंने कमेंट की थी। तो वो ही मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। तो इसके बारे में जैसे मजीद जानकारी आएगी इंशाल्लाह वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और दूसरी बात रही ये कि बहुत सारे लोग जो है सवाल कर रहे थे यानी सऊदी अरब से इंडिया जाने के लिए। तो देखिए वंदे भारत मिशन फेज 7 जो है शुरू हो जाएगा कल से, कल या परसों से, पर उसकी अभी फ्लाइट्स की डिटेल नहीं आई है। मतलब शो कर रहा है अभी वहाँ पे वेबसाइट पर, अगर हम जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे, पर उसमें जो है बहुत सारी चेंजिंग हो जाती है बाद में। तो अभी जो है 1-2 दिन आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि उसका टिकट भी सस्ता होता है। अगर आप जो है वंदे भारत मिशन से जाएंगे तो उसका टिकट भी आपको 1300-1400 के बीच में ही मिल जाएगा, और अगर आप जो है चार्टर फ्लाइट से जाएंगे तो उसका टिकट थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा आप जो है वेट कर लें, और जैसे ही इसकी जो है कोई खबर आएगी फ्लाइट कौन से शहर से कौन सी डेट में जा रही है इंडिया के लिए, वो पूरी जानकारी मैं जो है आपको इसी चैनल पर दूंगा और वीडियो बनाकर हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।